अब तक हमने टेस्ट मैच, इसके अलावा वनडे क्रिकेट, T20 क्रिकेट तक देखा है इतने सालों से। अब T10 क्रिकेट आने वाला है जो टेनिस बॉल से प्ले किया जाएगा। ISPL इंडियन स्ट्रीट प्रीमियर लीग स्टार्ट होने वाला है। 2 मार्च से 9 मार्च के बीच में इसका फर्स्ट सीजन होगा। और ये खबर इतनी ही नहीं है, खबर में सबसे बड़ी चीज़ ये है कि अक्षय कुमार ने इस इवेंट में हिस्सा ले लिया है, यानी कि पार्ट ले लिया है। नहीं, वो क्रिकेट मैच देखने वाले नहीं है सिर्फ, इसके अलावा भी कुछ कर रहे हैं वो। अक्षय कुमार ने 6 टीम जो थी इसमें ISPL में, यानी कि उसमें से 1 टीम अक्षय कुमार ने खरीद ली है। सो अक्षय कुमार इज़ द प्राउड ओनर ऑफ ISPL टीम बिलोंगिंग फ्रॉम श्रीनगर। श्रीनगर की टीम का हिस्सा खरीद लिया है अक्षय कुमार ने, और बाकी 5 टीम और है, जैसे मैंने कहा 6 टीम है इसमें कुल मिलाकर, तो 5 टीम बाकी भी एक्टर्स खरीद लेंगे, ये बात तय है। और ये जो इंडियन प्रीमियर लीग है, अगर उसी तरह ये भी चला, पसंद आया लोगों को ISPL, तो ये बहुत बड़ी बात होगी दोस्तों। तो रवि शास्त्री ने भी हिस्सा ले लिया है इसमें कमेंट्री वगैरह करने का, तो कुल मिला के एक अलग थॉट प्रोसेस से एक अलग चीज़ बन रही है। अब देखते हैं ये कि ये किस चैनल पर दिखाया जाएगा, यूट्यूब पर आएगा या टीवी चैनल पर दिखाया जाएगा, और किस तरह से इसे प्रमोट किया जाएगा। क्योंकि अक्षय कुमार ने हाथ डाला तो कुछ सोच के ही हाथ डाला होगा, क्योंकि बिजनेस पॉइंट ऑफ व्यू से भी अक्षय कुमार काफ़ी स्ट्रांग बन रहे हैं। भले ही IPL में वो घुसे नहीं है, लेकिन हाँ ISPL में अक्षय कुमार की एंट्री हो चुकी है दोस्तों। ये अलग तरह की खबर है, आपको कैसी लगी जरूर बताएगा। वीडियो अच्छा लगे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिएगा। बाय बाय, टेक केयर।